छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की ओर से लोहारीडी आगजनी कांड की जांच के लिए बनाई गई समिति के सदस्य मंगलवार को लोहारीडी गांव पहुंचे। टीम के सदस्यों और श्री बघेल ने आगजनी वाली घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि मृतक रघुनाथ साहू के जले हुए घर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के मेंबर्स फांसी पर लटके मिले मृतक शिव प्रसाद साहू के घर भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों, पड़ोसियों और ग्रामीणों से मिलकर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। जो घटनाक्रम है, शिव प्रसाद कचरू मध्य प्रदेश क्योंकि बॉर्डर से लगा हुआ है, तो वो मार्केट गया था किसी जनक के साथ। वहाँ से वो लौटा नहीं शनिवार के बाद। रविवार को लोगों ने देखा कि उसकी डेड बॉडी किसी पेड़ में टंगा हुआ है, और चूंकि दमाऊ बाजार है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोगों ने देखा तो मोटरसाइकिल अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, जो जिस कपड़े में फांसी लगाया गया था उसमें भी खून के निशान थे, शरीर में खून के निशान थे। और जब वहाँ मध्य प्रदेश की पुलिस आई और किसी ने कहा ये तो आत्महत्या का केस है, बात वहीं से बिगड़ी है। और उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो प्राइमरी रिपोर्ट आता है उसमें कह रहे हैं कि आत्महत्या है, जबकि गांव वालों का मानना है कि आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और इस गांव में इसके पहले भी अनेक हत्याएं इस प्रकार से हो चुकी है। कुछ लोग गायब हैं, वो अभी तक के वापस लौटा नहीं है। बहुत सारे मिसिंग भी हैं और हत्याएँ भी हुई है। यहाँ ज़मीन का पुराना विवाद है, सामाजिक विवाद है, और इसके चलते ये आक्रोश बढ़ता रहा। और जब इसको कहा गया कि हत्या नहीं है, आत्महत्या है, तो लोगों का आक्रोश बढ़ा और ये दूसरी जो बड़ी घटना घटी, घर में आग लगी। तो ये जानकारी मिली कि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी, पुलिस की उपस्थिति में घर में आग लगी। पुलिस चाहती तो ये आगजनी को रोका जा सकता था, जो मृत्यु हुई उसे रोका जा सकता था। छत्तीसगढ़ की पुलिस, जबकि TI यहाँ और पूरी टीम 8-10 लोग पुलिस वाले यहाँ थे, यदि उस समय रोकते तो हो सकता था रुक जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो भी घर में हैं, छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ यही दिक्कत है कि जब घटना हो जाती है तो उसके बाद फिर जो निरपराध लोग हैं उसकी बेदम पिटाई करते हैं, मारते पीटते हैं, घसीटते ले जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और अनेक ऐसे लोग, उस परिवार के लोग बताए कि वो थे ही नहीं घटना में और उन लोगों को भी ले जाया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है जो शिव प्रसाद के PM में गए थे पोस्टमार्टम कराने गए थे, उसको भी यहाँ की छत्तीसगढ़ पुलिस उठा के ले गई, क्योंकि ये घटना है रविवार के 10-11 बजे के बाद की घटना है, और PM करा के आए हैं 3-4 बजे। दूसरी बात है, परिवार वालों को देखने तक नहीं दिए डेड बॉडी, और आनन फानन में उसको दफना दिया गया है। यदि पुलिस ये कह रही है कि ये आत्महत्या है, और गांव वालों का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो ये कमेटी कम से कम इस बात की डिमांड करती है कि उसको सेकेंड ओपिनियन लिया जाए। अभी डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ है, चोट के निशाने हैं। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि उसके, पहली बात यह है कि उसका सेकंड ओपिनियन लिया जाए। यदि ये कहती है कि आत्महत्या है तो सेकंड ओपिनियन होना चाहिए।